नमस्कार। यदि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे। मेरे पास मिसलेनियस क्वेश्चंस में पहले करते हैं हम एग्जांपल नंबर 26। ये सभी मेरे पास एग्जांपल्स पहले हम सॉल्व करेंगे जो मेरे पास हैं बेस्ड ऑन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आप अपनी क्लास 11th में भी कर चुके हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू दिस वन फोर एन बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम करेंगे कि एन इज इक्वल टू वन के लिए इसे प्रूव कर देंगे। उसके बाद मान लेते हैं कि एन इज इक्वल टू के लिए ये ट्रू होगा और फिर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए दोबारा प्रूव कर देते हैं। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, फॉर एन इज इक्वल टू वन, यानी हम क्या करेंगे एन की जगह वन रख देंगे। तो ये मेरे पास क्वांटिटी बनेगी ए रेज टू पावर वन। ये आपके पास वन को डिनोट कर रहा है, प्राइम नहीं है। ये आपके पास ए होगा, ये ट्रांसपोज को डिनोट नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना है, इधर भी राइट हैंड साइड में भी एन की जगह वन रख देना। ये बनेगा कोस थीटा, क्योंकि वन और थीटा मल्टीप्लाई हो गए, सिर्फ थीटा रहेगा। सिमिलरली ये बनेगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये बनेगा आपके पास कोस थीटा। तो हम यहाँ से क्लियरली देख पा रहे हैं जो मेरे पास ये मैट्रिक्स बनी है और जो ए मैट्रिक्स है दोनों इक्वल दे रखी है। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। एन इज इक्वल टू के लिए मान लेते हैं कि रिजल्ट मेरे पास ट्रू है, तो इसके अंदर एन को रिप्लेस कर देंगे के से। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आएगी कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। इसको कोई इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, स्टार डाल देते हैं इसके इसे। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि रिजल्ट होल्ड करेगा फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए। इस इक्वेशन में अब n की जगह हम पहले k प्लस वन रखेंगे, यानी हमारे पास जो रिक्वायर टू प्रूव है वो होगा कि a रेज टू पावर k प्लस वन इज इक्वल टू कोस k प्लस वन थीटा साइन k प्लस वन थीटा माइनस साइन k प्लस वन थीटा कोस k प्लस वन थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए स्टार जरूर यूज करना है। जो आपने स्केस सेकंड लिया इसे यूज करते हुए हम इसे प्रूव करके दिखाते हैं। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए रेज टू पावर के प्लस वन, इसे लिखा जा सकता है ए रेज टू पावर के इंटू ए, यानी ए रेज टू पावर वन, ये हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। ए रेज टू पावर के, ये आपके पास सेकंड वाले से ले लेते हैं, ये हमारे पास होगा कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा। और ए मैट्रिक्स की वैल्यू और इसके साथ लिख देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये ए मैट्रिक्स ये ऊपर दे रखी है, इसकी वैल्यू इसके साथ लिख देते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू जाएंगी, इनको हम लिख सकते हैं कोस के थीटा प्लस थीटा। इस वाली वैल्यू को यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू बन रही है के थीटा, वाई की वैल्यू बन रही है थीटा। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पे। इसी तरह जो ये वाली क्वांटिटी बन रही है, ये वाला आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन एक्स प्लस वाई का। तो ये क्वांटिटी आ जाएगी साइन के थीटा प्लस थीटा। सिमिलरली यहाँ से देखिए, ये पहले माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आने के बाद ये वाली टर्म आपके पास बचेगी साइन के थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा साइन थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कोस के थीटा प्लस थीटा का। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें से थीटा को कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद मेरे पास वैल्यू बनेगी कोस के प्लस वन थीटा साइन के प्लस वन थीटा, थीटा कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, साइन के प्लस वन थीटा कोस के प्लस वन
थीटा। और आप क्लियरली देख ही पा रहे होगे कि यहाँ से ये वाली जो हमारे पास राइट हैंड साइड हमने प्रूव करके दिखानी थी, ये इसी के इक्वल आ रही है अब आपके पास लास्ट में। तो हम इसे लिख देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में लिख देंगे हम हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए रेज टू पावर एन, स्टेटमेंट लिख रहे हैं बस, कोस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा कोस एन थीटा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आपके पास इक्वल होंगी। आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर टू की, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। इस क्वेश्चन को भी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या प्रूव करना है। तो इन दोनों क्वांटिटीज को इवेल्युएट कर लेते हैं। ये है मेरे पास ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी ए। आई का मतलब है मेरे पास कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, ए कोई आपके पास एक स्केलर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है टू ऑर्डर की, प्लस बी भी एक स्केलर है। ए मैट्रिक्स ये है आपके पास जीरो वन जीरो जीरो और इसकी रेज टू पावर एन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड बनेगी ए रेज टू पावर एन एक स्केलर है, इसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके साथ ए मैट्रिक्स लिखनी है, ये है जीरो वन जीरो जीरो। इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले ए से अंदर मल्टीप्लाई होगी तो सभी एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा ए जीरो जीरो ए प्लस, इसको सभी एलिमेंट्स को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो बी जीरो जीरो, इस पूरे की पावर है हमारे पास एन। इसे सोल्व कर लेते हैं, पहले दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे आपके पास, तो ये बनेगी मैट्रिक्स आपके पास ए जीरो प्लस बी बी जीरो प्लस जीरो जीरो ए प्लस जीरो ए रेज टू पावर एन, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में भी सिमिलरली करते हैं, ए रेज टू पावर एन से सभी एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आएंगे ए रेज टू पावर एन जीरो जीरो ए रेज टू पावर एन प्लस, इस एलिमेंट से भी सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियरली ये तो आपके पास जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, तो ये वाला एलिमेंट आपके पास यहाँ बन जाएगा जब वन से मल्टीप्लाई होगा दिस। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, इसको जीरो में ऐड करेंगे ए रेज टू पावर एन जीरो को और इसको ऐड करेंगे, तो ये एंट्री बनेगी एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन बी, जीरो को जीरो में ऐड करेंगे, इस क्वांटिटी को इसमें ऐड करेंगे, तो ये बनेगी ए रेज टू पावर एन। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल आएगी। केस वन फोर एन इज इक्वल टू वन, यहाँ पे हम एन की जगह वन को इंसर्ट कर देंगे, अगर एन की जगह इसमें वन इंसर्ट करें तो ये क्वांटिटी मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ए बी जीरो ए रेज टू पावर वन इज इक्वल टू ए की पावर वन, ए ही होता है यहाँ पे, ये आएगा आपके पास एन ए रेज टू पावर एन माइनस वन, तो ये यहाँ पे हम वन रखेंगे तो ये बनेगा ए रेज टू पावर वन माइनस वन, तो ए रेज टू पावर जीरो और ये क्वांटिटी बन गई हमारे पास बी। एन की जगह वन रखना है तो ये वाला एन भी हमारे पास क्या हो जाएगा वन, तो ये बना मेरे पास ए रेज टू पावर जीरो इंटू बी, और ए रेज टू पावर जीरो क्या होता है मेरे पास, किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर जीरो की जाए तो वन आएगा मेरे पास, ये होगा जीरो और ए रेज टू पावर वन। तो हमारे पास क्लियरली आप देख सकते हो ये वाली क्वांटिटी तो वन बन गई, वन इंटू वन वन बन जाएगा, तो ये बी आ जाएगा, बी के इक्वल आ रहा है, ये जीरो है जीरो ही आ रहा है, ये ए है ए के इक्वल ही आ रहा है, तो हम लिख देंगे हैंस
रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन. हम सेकेंड केस में अब क्या करेंगे, मानेंगे कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के. तो इस वाली इक्वेशन के अंदर हम एन की जगह क्या रख देंगे, के. कि मान लिया एन इज इक्वल टू के लिए आपके पास रिजल्ट ट्रू है, तो यहाँ पे बस इतना कर रहा हूं कि एन की जगह के रख रहा हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास के इक्वल टू होगा ए की पावर के, के ए की पावर के माइनस वन बी जीरो ए की पावर के. इसे स्टार दे देते हैं. और थर्ड में हम क्या करेंगे कि थर्ड में हमें प्रूव करके दिखाना है कि रिजल्ट होल्ड करेगा आपके पास फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए. केस थ्री में फोर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे, और इसके लिए हम यूज करेंगे स्टार को. जरूर यूज करना है इसको, अगर आप इसको यूज नहीं करते हो इसका मतलब कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर पहले एन को रिप्लेस कर देते हैं के प्लस वन से. यानी मेरे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या है, एन को रिप्लेस करेंगे के प्लस वन से, तो आपके पास ये मैट्रिक्स बन जाएगी ये यहाँ पे. क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, एन की जगह यहाँ पे के प्लस वन रख दिया, यहाँ पे भी एन की जगह के प्लस वन रखा है, और यहाँ पे भी एन की जगह के प्लस वन रखा, और यहाँ पे जब एन की जगह के प्लस वन रखेंगे तो ये आएगा के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा, तो ये पावर आपके पास के बन जाएगी पी, और यहाँ पे जीरो और ए रेज टू पावर के प्लस वन. हमें ये प्रूव करके दिखाना है, और इसके लिए इस स्टार को जरूर यूज करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास कि ए बी जीरो ए रेज टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू लिखा जा सकता है ए बी जीरो ए रेज टू पावर के इंटू में इस पावर वन को अलग से कर रहे हैं, तो ए बी जीरो ए इसकी पावर आपके पास वन आ जाएगी. अब क्या करते हैं कि जो ये वाली क्वांटिटी दे रखी है इसकी जगह हमें ये ऊपर वाला रिजल्ट यूज करना है, कि ये वाली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन रही है, इसमें इसकी जगह हम ये स्टार से यूज कर सकते हैं. तो ये वाली वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए की पावर के ए की पावर के माइनस वन बी जीरो ए की पावर के, और इस सेकंड मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख रहा हूँ. अब बस इन दो मैट्रिक्स की हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है. यहाँ पे हमने यूज कर लिया बाय यूजिंग स्टार. फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर के और ए, आपके पास दोनों मल्टीप्लाई हो गए. इस एलिमेंट के जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो. फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म बनेगी ए की पावर के इंटू बी प्लस के. इस वाली टर्म की जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर के बन जाएगा, ये पावर वन और ऐड करेंगे, वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और बी. सिमिलरली अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्ड, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे जीरो, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे करेंगे जीरो. सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं जीरो की बी से करेंगे जीरो, ए की पावर के की ए से करेंगे, तो आएगा ए की पावर के इंटू ए. अब इन्हें हम इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास टर्म बन रही है ए की पावर के प्लस वन, क्योंकि ये पावर वन है, ऐड हो जाएंगी पावर आपस में, ये जीरो बन रही है एंट्री. यहां से देखिए क्या कर सकते हैं हम, ए की पावर के बी और यहाँ भी ए की पावर के बी कॉमन ले लेते हैं इसको. तो कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे ये वन बचेगा प्लस के, तो हम इसे लिख सकते हैं के प्लस वन ए की पावर के इंटू बी, और यहाँ पे इन दोनों को पावर्स को ऐड करेंगे ए की पावर के प्लस वन, तो ये क्लियरली हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से आप देख सकते हो कि यही हमारे पास राइट हैंड साइड बननी चाहिए थी और यहाँ पे यही राइट हैंड साइड बनी है. उसके बाद हम लिख देंगे हैंस रिजल्ट इज होल्ड फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. लास्ट में लिख देंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज होल्ड फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर.
सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है, ए ये मैट्रिक्स दे रखी है तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल होगी। ये भी बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ही करेंगे। कई बार यहाँ लिखा मिलता है एन बिलोंग्स टू जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर, या कई बार मिल जाता है कि एन आपके पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों ही सेम क्वांटिटी होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस वन में हम करेंगे कि फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए रिजल्ट को प्रूव करके दिखाएंगे। इस वाली इक्वेशन में एन की जगह वन रख देंगे तो ये आपके पास वन है तो ए की पावर वन ए ही होगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वन रख देंगे तो ये आएगा थ्री की पावर वन माइनस वन जीरो, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर जीरो, सभी टर्म में थ्री की पावर जीरो होंगी। और किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो की जाए तो वो क्या होता है हमारे पास वन। तो क्लियरली यहां से आप ये मैट्रिक्स देख भी पा रहे हो, यही इसी के इक्वल है। केस टू में हम क्या करें, मानेंगे लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, इसके अंदर एन को रिप्लेस कर देंगे के से, एन को रिप्लेस करेंगे के से तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसे हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम कोई स्टार दे देते हैं नेम। इसके बाद क्या करेंगे हम कि रिजल्ट हमें फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करके दिखाना है कि ये आपके पास इसके लिए ट्रू होगा। तो हमारे पास रिक्वायर टू प्रूव क्या आएगा, जो आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखे है यहाँ पे हम एन को रिप्लेस करेंगे पहले के प्लस वन से। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, थ्री की पावर के प्लस वन माइनस वन, वन से वन कट जाएगा तो क्या बनेगा थ्री की पावर के, सभी एलिमेंट थ्री की पावर के बन जाएंगे। अब इसे हम प्रूव कर देते हैं और प्रूव करने में इस स्टार को जरूर यूज करना है जो हमने रिजल्ट माना होता है ये सेकंड में। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये होगा ए की पावर के प्लस वन, इसे लिखा जा सकता है ए की पावर के इंटू ए। मैट्रिक्स को लिख देते हैं ए की पावर के, ए की पावर के क्या है मेरे पास, यहाँ से ए की पावर के आपके पास दे रखा है स्टार से थ्री की पावर के माइनस वन, थ्री की पावर के माइनस वन, सभी एलिमेंट थ्री की पावर के माइनस वन है, थ्री की पावर के माइनस वन। और ए, ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है आपके पास, स्टार्टिंग में देखोगे तो ए मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स वन है तो ये आपके पास हो जाएगा वन वन वन। अब क्या करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं और दिखाते हैं ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो आएगा थ्री की पावर के माइनस वन, वन से मल्टीप्लाई हो ये भी आपके पास आएगा थ्री की पावर के माइनस वन, बीच में प्लस का निशान, प्लस थ्री की पावर के माइनस वन, सभी एलिमेंट ऐसे ही बनेंगे। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेकंड कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग तो ये थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन प्लस थ्री की पावर के माइनस वन, सभी एलिमेंट आपके पास ऐसे ही लिख दीजिए इसमें। इसके बाद इन एलिमेंट को इवेल्युएट करते हैं, तो देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या है थ्री की पावर के माइनस वन, अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचा वन प्लस वन प्लस वन, तो थ्री की पावर के माइनस वन कॉमन ले लिया जाए तो आपके पास ब्रैकेट में बचे वन प्लस वन प्लस वन, यानी आपके पास क्या हुआ थ्री, सभी एलिमेंट आपके पास इसी तरह के बचेंगे। ये सभी एलिमेंट आप सेम ऐसे ही लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा कि इनको इवेलुएट करते हैं, ये क्या है थ्री की पावर के माइनस वन और ये क्या है थ्री की पावर वन, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, थ्री की पावर के माइनस वन प्लस वन, तो आपके पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे थ्री की पावर के, सभी एलिमेंट थ्री की पावर के बन जाएंगे। और आप देखोगे कि यही हमें प्रूव करना था कि राइट हैंड साइड आपके पास यही बननी चाहिए, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, हेंस ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू दिस वन, एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है ए इसके इक्वल है तो हमें प्रूव करना है ए रेज टू पावर एन इसके इक्वल होगा, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस क्वेश्चन को अभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे, ए की पावर एन हमारे पास ये प्रूव करके दिखाना है कि इसके इक्वल होगा। पहले हम प्रूव करेंगे कि रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर एन इज इक्वल टू वन के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे एन की जगह हम वन इंसर्ट कर देंगे तो ये बनेगा वन टू इंटू वन, टू आ जाएगा, ये माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर रह जाएगा,
ये आपके पास वन वन माइनस टू, इसकी जगह वन रखेंगे तो माइनस का टू होगा, वन माइनस टू आपके पास बनेगा माइनस वन। इन क्वांटिटीज को इवेल्युएट कर लेते हैं, ये क्वांटिटी बनी है थ्री माइनस फोर वन माइनस वन। तो हमारे पास यहाँ से देख सकते हो ए मैट्रिक्स किसके इक्वल आ रही है, इसी के इक्वल आ रही है। तो हैंस रिजल्ट इज फोर होल्ड फॉर एन इज इक्वल टू, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। इसके बाद केस टू में हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, माना है हमने के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने क्या किया एन को रिप्लेस कर दिया के से और इसे मान लिया स्टार। उसके बाद हम प्रूव करके दिखाएंगे कि रिजल्ट एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी ट्रू है। पहले यहाँ पे एन की जगह के प्लस वन रख लेते हैं, के प्लस वन रखने पे आपके पास ये मैट्रिक्स बनेगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास इक्वल हैं। इसे पहले थोड़ा सा फर्दर सोल्व कर लेते हैं, पहले राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेता हूँ कि एक्चुअली मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है। यहाँ से देखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बनेगी टर्म टू के, और इसको टू से मल्टीप्लाई करें टू, और एक ये आपके पास थ्री, ये टर्म बनेगी माइनस फोर के माइनस फोर, ये के प्लस वन, और ये टर्म आपके पास मल्टीप्लाई करके बनेगी माइनस टू के, माइनस टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू, और ये प्लस का वन है तो माइनस वन। तो हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। अब लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ए की पावर के प्लस वन, इसे लिखा जा सकता है ए की पावर के इंटू ए, ए की पावर के, ये स्टार से वैल्यू उठा ली हमने, ए की पावर के इसके इक्वल है, और ए ए आपके पास ये स्टार्टिंग में मैट्रिक्स दे ही रखी थी, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से लिख ली। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई के लिए पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, इस एलिमेंट की इसके साथ मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट की इसके साथ, बीच में प्लस का निशान आएगा। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स भी आप लोग लिख ही लोगे। उसके बाद इन वैल्यूज को इवेल्युएट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू इवेल्युएट मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन रही है। ये इवेल्युएट करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ से आएगा टू के प्लस थ्री, इनको इवेल्युएट करेंगे तो ये बना है माइनस फोर के माइनस फोर, ये एलिमेंट बन रहा है मेरे पास के प्लस वन, और ये एलिमेंट बन रहा है माइनस टू के माइनस वन। अगर आप ऊपर जाके देखो तो आपको राइट हैंड साइड में यही प्रूव करके दिखाना जो हमने ये बनाया था। तो ये आपके पास आ गई यहाँ से राइट हैंड साइड। इसके बाद आप लिख दोगे हैंस रिजल्ट इज होल्ड फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, थस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन बिलोंग कर रहा हो पॉजिटिव इंटीजर से बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये भी मेरे पास क्या दे रखा है, मैथमेटिकल इंडक्शन पे दे रखा है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले जो मैथमेटिकल इंडक्शन पे क्वेश्चन है उनको अलग कर लिया है, पहले हम वो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी स्केयर मैट्रिक्स दे रखे हैं, सेम ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, और ये मेरे पास गिवन दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए और बी दोनों कम्यूट कर रहे हैं। देन प्रूव दैट बाय इंडक्शन कि ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल होगी, और बाद में हमें और भी प्रूव करके दिखाना है कि ये चीज भी प्रूव करके दिखानी। पहले हम इतना प्रूव करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन ए। पहले हम क्या करेंगे, रिजल्ट को फोर एन इज इक्वल टू वन के लिए प्रूव करके दिखाएंगे। एन की जगह हम वन रखेंगे तो ये क्वांटिटी बनेगी ए बी बी की पावर वन, बी रहेगा बी ए, और ये तो मेरे पास क्या है ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है कि ये दोनों इक्वल है, हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि रिजल्ट आपके पास होल्ड कर रहा है एन इज इक्वल टू के लिए, तो यहाँ पे एन को रिप्लेस कर देंगे के से, इसे हम स्टार दे देंगे ना, और उसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए प्रूव करके दिखाएंगे कि रिजल्ट आपके पास होल्ड कर रहा है। तो मेरे पास रिक्वायर टू प्रूव होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, एन की जगह के प्लस वन रख दिया, ये हमें प्रूव करके दिखाना है, और इस स्टार को जरूर यूज करना है इसको प्रूव करते हुए। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं इसकी, तो ये होगा ए बी रेज टू पावर के प्लस वन इज इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट मुझे यूज करना है, तो मैं क्या करता हूँ ए बी रेज टू पावर के, और ये बी को एक अलग कर लेते हैं इससे, तो जो ये वाली टर्म है इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, बी की पावर के ए
into b using star. Star use किया मैंने क्योंकि इस वाली quantity की जगह हम ये लिख सकते हैं. इसके बाद ये होगा b की power k a b. ये क्या, ये तो मेरे पास यहाँ पे given है कि आपके पास b की power k इसे b a लिखा जा सकता है क्योंकि a b is equal to b a given है. तो अब क्या करते हैं, इन पावर्स को ऐड कर लेते हैं. ये बन गया b की पावर k प्लस 1 इनटू a. और यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना था. हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर. फर्दर हमें प्रूव करके दिखाना है कि a b रेज टू पावर n इज इक्वल टू होगा a की पावर n b की पावर n. स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे. इसके अंदर n की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो a b की पावर 1 तो यही रहेगा, a की पावर 1 a ही होगा, b की पावर 1 b ही होगा. और ये हमारे पास क्या है, a b इज इक्वल टू a b हमेशा होता ही है. तो हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया. उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, मानते हैं कि लेट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की जगह k रख देंगे. n की जगह k रखेंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी. इसे मैंने क्या किया, स्टार मान लिया अगेन से. तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करके दिखाएंगे कि रिजल्ट आपके पास होल्ड कर रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर n की जगह k प्लस 1 रखूं तो आपके पास ये वाली क्वांटिटी आएगी. हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास इक्वल होंगी. यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसकी, ये बनेगा a b रेज टू पावर k प्लस 1. और ये आपको स्टार यूज करना होता है इसको प्रूव करते हुए. तो हम इसे क्या करते हैं, a b रेज टू पावर k अलग कर लेते हैं और a b को एक पावर को अलग कर लेते हैं. ये वाली क्वांटिटी आपके पास इसके इक्वल है तो ये वाली क्वांटिटी यहां से लिखी जा सकती है a की पावर k इनटू b की पावर k. इसकी जगह यहां से लिया हमने स्टार से ये, और इसके साथ a b. यहां से देखिए अभी जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था उसका यूज करते हुए हमें इसे प्रूव करके दिखाना है. तो इन टर्मों को देखिए आप, ये मेरे पास बन रही है b की पावर n a की फॉर्म. तो ये क्या होगा, a आगे आ जाएगा, ये वाली चीज बाद में लिखी जा सकती है. ये हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में हमने प्रूव किया है. तो इन दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. तो ये हो जाएगा मेरे पास a की पावर k, इसे लिखा था a b की पावर k इनटू b. अब इनको हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये बनेगा a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1. और यही हमें यहां पे राइट हैंड साइड में प्रूव करके दिखाना था, बाद में लिख दीजिए. हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.